कि स्पीच ऑफ 11th अगस्त 1947 टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान जिसको उसी वक्त सेंसर कर दिया गया था बेशक उसको और भी धूल के नीचे छुपाने के लिए ये मैंने देखा है हमारे जितने भी इंतहा पसंद दोस्त हैं वो उस स्पीच से बहुत नफरत करते हैं और उस स्पीच से बहुत घबराते हैं और हमेशा उसको टेढ़ा-मेढ़ा करने की कोशिश करते हैं और एक और जो मेरा बड़ा मसला रहा है यहाँ सीख के मैंने बैठा है कि लव सेक्युलर को लोग गैर मजहबी समझते हैं लव सेक्युलर का मतलब गैर मजहबी नहीं है अगर आप लुगत खोल के पढ़ें थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें और इल्म हासिल करने की तरफ जाएं तो सेक्युलर का मतलब गैर मजहबी नहीं है सेक्युलर का मतलब है तमाम मजहबों को बर्दाश्त करना और उनकी राय को अपने राय के साथ टू 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 अलाउ देम बी हु डेमोक्रेसी का भी मतलब वही है उसके बाद हम आगे चलते गए हक आए हक ने दिन का ऐसा इस्तेमाल किया कि उन्होंने तमाम सोच लोगों की सोच बंद करवा दी लोगों को दिमाग हमारा सोचना हमारा सवाल पूछना और वो तमाम चीजें जिससे तालीम और सोच बढ़ती है लिटरेचर अदब रक्स क्लासिकी मौसीकी तमाम चीजें वो प्रोग्रेसिव राइट मूवमेंट बंद आज हम एक ऐसे मरहले पे पहुंचे जहाँ पे गोजरा जैसी हो रही हैं और जहाँ पे बलासमी लॉ का खुला आम इस्तेमाल होता है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक दो तीन और भी यहाँ आप तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बहुत काम करते हैं स्कूल अटैक मरी में उसके अलावा बेतहाशा और अटैक्स मुख्तलिफ लोगों पर yeah. आपके ख्याल में डू यू सी दिस दिस गोइंग आप you know, किस तरफ जा रहे हैं हाउ कैन वी चेंज द टाइप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सियासी लीडरों का ये काम है टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी एंड सोलडेरिटी इन द कंट्री आपकी सारी पोलिटिकल पार्टीज इस वक्त मेन लाइन पार्टीज में बात करूँ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं मेरा सबसे पहला सवाल उनसे यह है आधे डेमोक्रेटिक विद इन द रोन पार्टी किस पार्टी ने अपनी इलेक्शन कराई आज no. एलेक्षन, क्या इलेक्शन हुई है वो दे डो नॉट हैव इलेक्शन विदिन द पार्टी जब मुल्क की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करें दिस इज हेपोक्रेसी नंबर वन नंबर टू वी हैव टू अगर हमने एक कदम आगे उठाना है जो बात आप कर रही है सबसे पहला कदम वो ये है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन जो कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने ग्यारह अगस्त को कहा था अनलेस यू सेपरेट स्टेट एंड रिलीजन यू आर नॉट गेट एनी वेयर ये हाथ से होते रहेंगे

पाकिस्तान स्टडीज जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम टोटली डिस्टॉर्टेड स्टडीज पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तारीख हमने तारीख तो पाकिस्तान की जो असली तो है वो तो पढ़ाई नहीं रही एक एग्जाम्पल मैं अगर टाइम है अभी दे सकता हो जल्दी से एक मिनट हमारे ट्वेंटी थर्ड मार्च आप ले लें हम उसको 1940 में ले गए जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था एब्सोल्युटली नन व क्यों वो ट्वेंटी थर्ड मार्च वो दा रिपब्लिक डे अयूब खान ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन को जिसके तहत हम रिपब्लिक की, उसको उसने आ, उठा के बाहर फेंक दिया अब उसने कहा रिपब्लिक डे कैसे मनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने फेंक दिया उसने हिस्टोरियंस को कहा यार इसको कहीं और फिट करो चला, इस चालीस में फिट कर दी ये मुल्क उन जमातों के हाथ इस मुल्क की तालीम दे दे जो हमारे मतलब इतने बड़े सितारा जीतने वाले आ... अर्न करने वाले ससल चौधरी जैसे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया अपनी जान शहीद करने के लिए वो तैयार थे अपने दोस्तों को शहीद करते हुए उन्होंने देखा है इन जैसे लोगों की अगर सोच को रोका जाएगा इन जैसे लोगों को, को अगर प्रमोशन नहीं मिलेगी इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी और जो लोग कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन उनके हाथ अब हमारे बच्चों की तालीम दे, दे देंगे खुद इसके बारे में सोचें कि लड़ा मुल्क के लिए कौन खून किसने बहाया और तालीम आप किसके हवाले दे रहे हैं ये अनवार और राव का सिग्नल है कि नादिया चुप कर जाओ इसलिए आई सलूट चौधरी थैंक यू वेरी मच नादिया थैंक यू एंड पाकिस्तान नाजरीन जिंदाबाद